राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर रफाल डील, किसान मुद्दा, रोजगार को लेकर हमला बोला है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस को इंकलाब रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रफाल की सच्चाई सामने आ रही है। पीएम मोदी ने जान से बचने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को रात में हटा दिया। पीएम को रात में नींद नहीं आ रही है, राहुल ने निशाना साधते हुए कहा मोदी ने देश की वायु सेना को बेच दिया है। राहुल ने कहा कि रफाल मुद्दे पर हमने 3 से 4 सवाल पूछे, लेकिन इस पर कभी सामने आकर जवाब नहीं दिया। कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, आंख में आंख मिलाकर कभी जवाब नहीं दे पाए चौकीदार। कि हमारे सब के सब लोगों को बाईपास किया, उधर ब्यूरोक्रेट कह रहे नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को दिया, हिंदुस्तान से 30,000 करोड़ रुपए चोरी की। मतलब अंदर से आवाज आ रही है और इस आवाज को कोई शांत नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं कि रात को आपको नींद नहीं आ रही, मैं जानता हूं कि जब आप सोते हैं रात को आपको अनिल अंबानी की फोटो दिखाई देती है। मैं जानता हूं जब आप सोते हैं आपको राफेल हवाई जहाज की फोटो दिखाई दे रही है। मैं जानता हूं जब आप सोते हैं आपको हिंदुस्तान के वायु सेना की शहीदों की फोटो दिखाई दे रही है। वो फोटो कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने आपको दिखाई है।